60 हर्ट्ज का हमने डिस्प्ले देखा, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखा, फिर 120 हर्ट्ज का। अब ये एग्जैक्टली है क्या? बहुत सारा कन्फ्यूजन है। आप सोच रहे हैं कि ये जो प्राइसिंग वेरिएंट्स आते हैं और प्लस ये जो डिस्प्ले हर्ट्ज के जो वेरिएंट्स हैं, क्या 120 हर्ट्ज लेना सही होगा या 90 हर्ट्ज लेना सही होगा, और ये कंपनीज़ अब हर्ट्ज या फिर डिस्प्ले के ऊपर जो ये हर्ट्ज है इसके ऊपर इतना ज़्यादा क्यों फोकस कर रहा है। अब बात वही हो जाती है कि आपको 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के अंदर आपको डिफरेंस नहीं मालूम है, तो फिर क्या हमें फ़र्क पड़ता है भाई 90 हर्ट्ज लूँ या फिर 60 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज। अगर हमें फ़र्क ही नहीं मालूम है तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हम कोई सा भी फ़ोन उठा सकते हैं स्पेक्स को देख करके। लेकिन मुझे लगता है आज के दौर में आपको ये हर्ट्ज के बारे में जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। ये एग्जैक्टली होता क्या है और ये आपके डेली लाइफ में अगर हम बात करें आपके मोबाइल यूजेबिलिटी में आपको क्या यहाँ पर मायने रखता है, तो यहाँ पे पूरी जानकारी देंगे आपको हम। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल गैजेट ज्ञान पे। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अभी पिछले, अगर हम यहाँ पर 5 साल पहले बात करें तो 60 हर्ट्ज पे यहाँ पे डिस्प्ले आया करते थे, फिर 90 हर्ट्ज हमने देखा, फिर 120 हर्ट्ज देखा। अभी अगर हम बात करें सैमसंग के काफ़ी सारे डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं, वहीं पोको X2 अभी जो रिसेंटली नया आया है इसमें भी हमें यहाँ पर देखने को 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। अब अगर एक सीधे से एक आसान सी भाषा में अगर आपको मैं समझाऊँ तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले का फ़ोन जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है वो आपको जो एक्सप्लेनेशन दे सकता है उससे बेहतर एक्सप्लेनेशन और आपको कोई नहीं दे सकता है जो कि 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले वाला फ़ोन यूज़ करता हो, क्योंकि यहाँ पर वही आपको सबसे अच्छा, क्योंकि 120 हर्ट्ज एक फील है, एक यू नो जब आप फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहाँ पर एक एहसास है 120 हर्ट्ज। अब इन शॉर्ट इसे हम टेक्निकली बात करते हैं कि यहाँ पर है क्या। 60 हर्ट्ज मतलब 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। अगर हम लैग रेशियो की बात करें तो 16.63 मिली सेकेंड, इसके नीचे नहीं हो सकता है 60 हर्ट्ज का। वहीं अगर हम 120 हर्ट्ज की बात करें तो 8.83 उसका हाफ ले लीजिए आप, तो ऑलमोस्ट उतना मिली सेकेंड के नीचे नहीं हो सकता है 120 हर्ट्ज का। अब एक्चुअली ये जो 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज ये एग्जैक्टली एक फ्रेम रेट जैसा सुनने में लगता है, लेकिन ये फ्रेम पर सेकेंड या फिर फ्रेम रेट अगर हम बात करें फ्रेम पर सेकेंड जिसको हम FPS भी कहते हैं, तो एग्जैक्टली सुनने में लगता है टेक्निकली है भी बट नहीं भी है। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो फिर FPS है फ्रेम पर सेकेंड। अगर हम यहाँ पर बात करें तो FPS एक टेक्नोलॉजी जो कि मॉनिटर के अंदर होता है या फिर डिस्प्ले के अंदर होता है, लेकिन वहीं अगर हम यहाँ रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये एक पुश होता है आपके ग्राफिक्स कार्ड के थ्रू, या फिर अगर हम बात करें जो कि फ्रेम्स को यहाँ पर कितनी जल्दी वो रिवाइज करता है आपके डिस्प्ले के सामने। अब बात कर लेते हैं 60 हर्ट्ज पे, अगर 60 फ्रेम पर सेकेंड यहाँ पर अगर आपको दिखाया जाता है पर सेकेंड, तो सीधी सी बात है कि अगर एक इमेज, क्योंकि ये इमेज होते हैं, अब पर इमेज जब आपको 60 बार दिखाया जाता है एक सेकेंड पे, तो हमारा ह्यूमन ब्रेन इतनी आसानी से उसे देख नहीं सकता है इमेजेस को, तो जिसकी वजह से हमें वो सारे इमेजेस एक मूविंग मोशन जैसा लगता है, या फिर अगर हम बात करें वीडियो हमें लगता है तो यहाँ पर हमें वो वीडियो दिखता है। अब 120 हर्ट्ज में अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर एग्जैक्टली 120 हर्ट्ज में यहाँ पर आपको दिखेगा एक लैग फ्री स्मूदनेस दिखेगा यहाँ पे, और जो यहाँ पे एनिमेशंस होते हैं जो एनिमेशंस निकल करके आते हैं यहाँ पर, वो एनिमेशंस काफ़ी क्विकली होता है। दैट मीन्स 120 हर्ट्ज पे आपको 120 फ्रेम पर सेकेंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एनिमेशंस। एनिमेशंस का जो यहाँ पर है वो एनिमेशंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। अब क्या ये डेली लाइफ डे टू डे यूसेज में 120 हर्ट्ज क्या मायने रखता है, टेक्निकली बताऊँ तो नहीं। तो यहाँ पर बात आती है कि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर डे टू डे यूसेज की बातें करें, अगर आप हैवी गेमर नहीं है या फिर गेम नहीं खेलते हैं, अब आप सोचेंगे कि नहीं छोटा मोटा एक छोटे बैट बॉल वाले क्रिकेट वाले गेम अगर खेल रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस आपको 120 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज में देखने को मिलेगा यहाँ पर गेमर्स को देखने को मिलता है जो गेम खेलते हैं, और अगर आपके पास उनके पास अगर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है तो यहाँ उनको वो सारी बारीक चीज़ें दिखती है जो दिखना चाहिए। मतलब कि काफ़ी बार अगर मैं टेक्निकली बात करूँ 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले वाला पे एक वीडियो आप चलाइए और एक 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले पे वीडियो चलाइए, तो यहाँ पर बारीकी से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस आपको नेकेड आई से दिख जाएगा। आपको लगेगा 120 हर्ट्ज में काफ़ी सारे ऐसे छोटे डिटेलिंग हमें दिख रही है जो 90 हर्ट्ज पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ वीडियो में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेन परफॉर्मेंस 120 हर्ट्ज का आपको यहाँ पर गेम खेलते वक्त आपको नज़र आएगा। तो जो गेमर्स होते हैं यहाँ पर उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है कि 120 हर्ट्ज डिस्प्ले यहाँ पर वो चूज़ करें।
अब अगर रेगुलर यूसेज अगर आप करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो फिर यहाँ ज़्यादा कुछ वेरिएशंस आपको नजर नहीं आएगा नेकेड आई से, जब तक कि आप हैवी गेम्स यहाँ पर नहीं खेलते हैं। बहुत ही आसान भाषा में और आपको बताने की कोशिश करूँ तो फिर यहाँ पर जो गैप होता है एक इमेज के बाद दूसरी इमेज का जो गैप होता है, यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ या 90 हर्ट्ज़ की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली है कि 60 हर्ट्ज़ और 90 हर्ट्ज़ की जो डिफरेंस की बात है, अगर इतना गैप है 60 हर्ट्ज़ में तो 90 हर्ट्ज़ में ये इतना गैप होगा एक इमेज के बाद दूसरे इमेज को आपकी स्क्रीन पर लाने का। वहीं अगर हम बात करें 90 हर्ट्ज़ से लेकर 120 हर्ट्ज़, तो 90 हर्ट्ज़ में अगर इमेज यहाँ पर था तो 120 हर्ट्ज़ में यहाँ पे इतना पास आ जाएगा। तो यहाँ जो गैप होता है इमेज का ट्रांजिशन का, वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिलता है और एक बेटर यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसका डाउनसाइड। अब डाउनसाइड भी हुआ है या नहीं है, या फिर अगर बात करें तो डेफिनेटली अगर ये टेक्नोलॉजी है तो फिर यहाँ पर डाउनसाइड भी हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता ही मिलता है। 120 हर्ट्ज़ का सबसे बड़ा डाउन साइज है बैटरी, क्योंकि बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। जितना फ्रेम यहाँ पर जितनी बार यहाँ पर रिफ्रेश करेगा स्क्रीन पे, यहाँ पे बैटरी का कंजम्पशन भी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 2 times यहाँ पर बैटरी कंजम्पशन आपको 120 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले पे देखने को मिलता है। तो 120 हर्ट्ज़ का जब भी डिस्प्ले आप ले तो मेक श्योर कीजिए कि बैटरी जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी मिलने जिस फ़ोन में मिल रहा हो उस फ़ोन को यहाँ पे चूज़ करें, नहीं तो फिर 90 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले पर जाएं, वरना बैटरी कंजम्पशन में यहाँ पर आप परेशान हो जाएंगे। नो डाउट आप अगर दूसरे हैंडसेट्स भी अगर कम यहाँ पर एमएच जो बैटरी कैपेसिटी वाले हैंडसेट्स आते हैं उसे भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जितने भी फ़ोन्स 120 हर्ट्ज़ के साथ आ रहे हैं उसमें आपको ऑप्शंस होते हैं रिफ्रेश रेट को कम करने के लिए भी। 90 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़ तीनों ऑप्शंस दिखते हैं, आप उसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैनुअली भी आपको एक ऑप्शन दिख जाता है, तो ये एक बेहतर तरीका है जहाँ पर आप मैनुअली जाके चूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले वाला फ़ोन यहाँ पर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। टेक्निकली बात करूँ तो 60 हर्ट्ज़ टू 90 हर्ट्ज़ पे आने में यहाँ पर हमें लंबा टाइम लगा, लेकिन 90 हर्ट्ज़ से लेकर 120 हर्ट्ज़ आने में बहुत ही कम समय लगा, और यहाँ पर जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि अगर आप 90 हर्ट्ज़ से खुश हैं तो आने वाले 1-2 साल में आपको 120 हर्ट्ज़ मिड रेंज फ़ोन्स में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट्स के फ़ोन में आते हैं, लेकिन कुछ कुछ अभी मिड रेंज सेगमेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ बजट सेगमेंट के फ़ोन्स में भी ये देखने को मिलने लगे हैं। लेकिन आने वाले 2-3 सालों में आपको शायद ये अब मिड रेंज फ़ोन्स में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे यहाँ पर इसकी प्राइसिंग कम होगी। अब 120 हर्ट्ज़ वाले अगर डिस्प्ले वाले फ़ोन अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि इनके जो डिवाइसेस होते हैं वो महंगे आते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, प्लस यहाँ पे बहुत ही R&D पे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे यहाँ पे खर्च किया गया है, तो यहाँ पे प्राइस भी ज़्यादा रखी गई है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे आपको कॉमन हो जाएगा, मिड रेंज फोन्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा ओवरऑल कंक्लूजन, रिफ्रेश रेट या फिर अगर हम बात करें 90 हर्ट्ज़ और 120 हर्ट्ज़ का डिफरेंस कि क्या है एग्जैक्टली ये। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर और ऐसे प्यार करते रहिए, और कमेंट करना ना भूले, और बने रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।